किसान भाई नमस्कार। एक नया वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं और इसमें आपको जानकारी देने वाले हैं कि जब हमारा मेड़ बन जाता है तो मेड़ बनने के बाद जो हम लेटर लगाते हैं, देखिए ये जो होता है लेटर होता है, इसमें से हर पाइप में एक फीट की दूरी पर आपका नोजल लगा जहाँ से कि पानी निकलता है। ये पहले जो लेटर हम लगाए थे उसमें क्या था कि आपका एक छेद था, सिंगल पॉइंट था जिसमें से पानी निकलता था। इसमें दो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा निकलता है और बाई चांस अगर एक बंद भी होता है दूसरे से निकल जाता है, मतलब इसको लगाने का फ़ायदा यही होता है। और उसमें हमारा दूरी ज़्यादा दूरी पे था जिससे क्या हुआ कि क्रॉप जो हम लगा रहे थे ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा था, लेकिन इसमें दूरी बहुत अच्छा दूरी है, इस दूरी पे लगाने से आपको प्लांट पॉपुलेशन संख्या ज़्यादा होगा। तो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि लेटर को कैसे बिछाना है और मल्चिंग को कैसे बिछाना है, खासकर गर्मी के दिनों में कैसे बिछाना है, लेटर के बाद मल्चिंग को किस तरह से बिछाया जाता है और लेटर को कैसे बिछाया जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो पॉइंट आता है, देखिए जब आप लेटरल पाइप लगाएंगे तो लेटरल को इस ओर एक खूंटा लगा दीजिए, बांस का खूंटा बना सकते हैं चाहे लकड़ी का, अब यहाँ पर अच्छे से बांध दीजिए। बांधने के बाद फिर उस ओर जहाँ आपको जॉइंट करना है, जैसे कि हमारा उस साइड में पाइप लगा हुआ है तो वहाँ आपको जॉइंट कर देना है, वहाँ से पानी आएगा आके यहाँ पर इंड हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसको टर्न करके यहाँ से रस्सी से बांध देना है ताकि पानी आके यहाँ पर ब्लॉक हो जाए और प्रेशर से पानी फिर पॉइंट से निकलना शुरू हो जाए। इस तरह से आपको लगाना है और लगाते समय ध्यान ये देना है कि जो इसका ग्रीन, देखिए ये एक ब्लू मार्क दिया हुआ, लाइन दिया हुआ, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, क्यों होता है, कभी कोई मिट्टी में जब दब जाएगा तो पानी ब्लॉक हो जाएगा, पानी नहीं निकलेगा, ऊपर से रहेगा तो पानी यहाँ से निकल के तब नीचे जाएगा। लेटर को बिल्कुल सीधा बिछाना है, अगर टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है तो आपका लाइन भी टेढ़ा होगा, तो उससे क्या होगा कि जब उसमें आप मचान तैयार करेंगे तो एक लाइन, एक पौधा इधर एक पौधा इधर, कोई आगे ऊपर चढ़ेगा, कोई बाद में नीचे ऊपर चढ़ेगा, तो डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए पाइप को बिल्कुल सीधा आपको बीचों बीच बिछाना है। पाइप जब बीच जाता है तो उसके बाद क्या करना है, देखिए मल्चिंग बिछाना है। तो मल्चिंग बिछाने के लिए देखिए क्या है कि कहीं के लेबर का समस्या होता है, अगर आपके पास पर्याप्त लेबर है और थोड़ा सा अगर मजबूत लेबर है तो क्या होता है कि दो लोग मल्चिंग को पकड़ेंगे और दो लोग फावड़ा चलाएंगे, लेकिन एक लोग सिर्फ पाइप को बिछाने के लिए आपको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार अंदर में पाइप डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बाद में बनना मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही एक लेबर एक्स्ट्रा लगा दीजिए और वो क्या करेगा, सिर्फ पाइप का ही काम करेगा, इधर से मल्चिंग बिछते रहेगा और पाइप सीधा करते हुए आगे से जाएगा। जैसे देखिए दो लोग फावड़ा चला रहे हैं, दो लोग मल्चिंग पेपर को चला रहे हैं, सामने जो है वो सिर्फ पाइप को सीधा कर रहे हैं। अब गर्मी के समय में और ठंड के समय मल्चिंग को कैसे बिछाते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए मल्चिंग अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें इसका जो कलर है, देखिए ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर है, लेकिन इसके नीचे में देखिए हल्का सिल्वर कलर का है। तो ब्लैक कलर और सिल्वर कलर का अंतर ये होता है कि अगर जब टेम्परेचर कम है, जैसे कि आप अगर अगस्त सितंबर महीना में अगर आप खेती कर रहे हैं चाहे लगा रहे हैं, तो उस समय टेम्परेचर कम होता है, जैसे आने वाले समय में टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो टेम्परेचर कम रहता है, तो ब्लैक को आपको ऊपर रखना है। तो ब्लैक ऊपर रखने से क्या होता है कि सनलाइट जितना टाइम पड़ता है तो ब्लैक का काम होता है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो ऊष्मा को अवशोषित करके वो मिट्टी में देता है और मिट्टी को गर्म रखता है, जिससे कि फसलों का जड़ों का विकास अच्छे से होता है। लेकिन वही विपरीत हम देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि सिल्वर कलर को ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें यह होता है कि जो सनलाइट अभी पड़ेगा तो ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब परावर्तित कर देगा, इससे ये होगा कि गर्मी के समय एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो पानी की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा लगेगा, सूखा पड़ने का संभावना रहता है, जड़ों का अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको ये देखना है कि नीचे ठंड रहे, मतलब ज़्यादा तापमान हमको नीचे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ब्लैक को हमको अभी नहीं लगाना है, अभी हमको सिल्वर को लगाना है, जस्ट मल्चिंग पेपर को उल्टा कर देना है और सिल्वर को ऊपर से लगाते हुए जाना है, जिससे क्या होगा कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिट्टी में नहीं रहेगा। अब बात आता है कि कौन सा मल्चिंग लगाना है, देखिए मल्चिंग जो सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है, मैं कोई कंपनी का ब्रांड प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज किया था गोवर्धन, रेट इसका ज़्यादा है, लगभग 3000 के आसपास का रेट पड़ता है, लेकिन इसका खासियत क्या होता है कि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और काफ़ी दिनों तक, मैं 6 महीना 7 महीना तक मैं देखा हूँ कि इसको कोई असर नहीं हुआ, जो मेरे यहाँ लगा हुआ है खीरा लगा, दोबारा खीरा लगा, फिर उसमें मक्का लगा, लेकिन अभी तक भी वो सेम टू सेम पड़ा हुआ है, कोई उसमें असर नहीं हुआ है। अगर चाहेंगे अगर थोड़ा सा और सोची तरह उसमें एक आध बार फसल और भी ले सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि खीरा एक बार निकल जाए तो दोबारा इसमें फिर से खीरा लगाऊंगा, तो मजबूत भी रहेगा, गर्मी के दिनों में हवा भी चलते रहता है, खासकर कभी कोई जानवर भी कुत्ता होता है कूदने लगता है, तो इसमें से जाएगा थोड़ा सा ये सुरक्षित रहता है, अच्छा क्वालिटी का है और इसका रेट आपका लगभग वही 3000 के आसपास मिल जाता है, जो कि 25 माइक्रोन का है,
इसको लगा सकते हैं। इसका अगर मान लीजिए एक बार अगर आप लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी खीरा लगाए फिर ख़त्म कर दिए, तो सस्ते क्वालिटी का भी 1400-1500 में मिल जाता है। हैमर वगैरह का अलग अलग कंपनी का है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह से आप लेटरल भी लगा सकते हैं और गर्मी के दिनों में मल्चिंग को ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप पहले भी ऐसे करते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते थे, जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।